हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसको प्रकृति ने अपना ढेर सारा प्यार दिया है, जहां की हरियाली इसको पूरी दुनिया से अलग बनाती है। एक ऐसा देश जो फेमस है अपने यहां की खूबसूरत महिलाओं के कारण, और दुनिया का वो देश जहां की महिलाओं को सबसे पहले मिला था वोट देने का अधिकार। इसे नदियों और झीलों का देश भी कहते हैं। अगर आप एक बार इस देश में गए तो आपका वहां से वापस आने का मन नहीं करेगा, और ये देश जाना चाहता है अपने यहाँ के लाजवाब बियर के कारण। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पीने और पिलाने वाले लोगों में से एक हैं। पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसके पास है अपना आधिकारिक सुगंध। इस देश की भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। बास्केटबॉल के दीवाने रहते हैं भाई इस देश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूरोपियन देश लिथुवेनिया के बारे में। तो दोस्तों, आप तैयार हो जाएं इस शानदार सफर पर चलने के लिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि लिथुवेनिया का आधिकारिक नाम लिथुवेनिया गणराज्य है, जो कि यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित है। ये देश उत्तर में लातविया, पूर्व और दक्षिण में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में रूस के साथ अपनी भूमि साझा करता है। अगर देश के क्षेत्रफल की बात करें तो ये 65,300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 121वां सबसे बड़ा देश है। देश की जनसंख्या 2021 में 28 लाख के आसपास थे। इस देश में आपको कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी है 43 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। विल्नियस लिथुवेनिया की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। विल्नियस एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जो अपनी बारोक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। अगर बात यहाँ लिटरेसी रेट की जाए तो इस देश में लिटरेसी रेट 100% है। लिथुवेनिया में अन्य यूरोपीय देशों की तरह लिटरेसी रेट काफी हाई है। यहाँ की सरकार भी एजुकेशन पे काफी खर्च करते हैं। देश की गवर्नमेंट कुल जीडीपी का 2.5% एजुकेशन पे खर्च करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लिथुवेनिया की कैपिटल सिटी विल्नियस में स्थित विल्नियस यूनिवर्सिटी पूर्वी यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी थी। दोस्तों, लिथुवेनिया एक कमाल का देश है जिसे प्रकृति ने बहुत खूबसूरती दी है। आप यहाँ की खूबसूरती को अगर देखना चाहते हैं तो आप इस देश के किसी गांव को एक बार विजिट करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका वहाँ से वापस आने का मन नहीं करेगा। यहाँ की हरियाली आपका मन मोह लेगी। इस देश में जंगलों की कोई कमी नहीं है। जब भी आप बोर हो रहे हो तो आप एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं। जो सुकून आपको मिलेगा वो सच में अमूल्य होगा। अगर आप इस देश को आसमान की ऊंचाई से देखेंगे तो देश को हरे रंग में पाएंगे, क्योंकि यहाँ जंगल देश के कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई भागों में फैले हुए हैं। यानी इस देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा जंगल है। इसीलिए तो आपको यहाँ जो हरियाली मिलेगी वो शायद दुनिया के किसी भी भाग में नहीं मिलने वाली। लिथुवेनिया प्राकृतिक रूप से जितना सुंदर है उतनी ही सुंदर यहाँ की महिलाएं होती हैं। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं इसी देश में रहती हैं। इस देश की महिलाएं जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी ही दिल की सच्ची होती हैं। यहाँ की महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि इनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत होती हैं, और अगर आप इनकी आंखों में देखेंगे तो आप इनके सम्मोहन में आ जाएंगे। लिथुवेनिया की महिलाएं खूबसूरत होने के साथ साथ शिक्षित भी बहुत होती हैं। यहाँ की महिलाएं पुरुषों के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं। ये महिलाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती हैं, और देश के हर एक क्षेत्र में आपको महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल जाएगी। महिलाओं के अधिकार की बात तो सब करते हैं, लेकिन इनके अधिकारों के लिए कितने काम होते हैं ये सबको पता है। बहुत सारे देशों में अभी भी महिलाओं को चुनावों में वोट डालने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि लिथुवेनिया दुनिया के पहले देशों में से एक था जिसने महिलाओं को चुनावों में वोट देने का अधिकार दिया था। लिथुवेनियाई महिलाओं को 1918 के संविधान द्वारा वोट देने की अनुमति दी गई थी। बिल दोस्तों, लिथुवेनिया एक कमाल का देश है, और इस देश में रहने वालों की लाइफस्टाइल बहुत ही हाईफाई होते हैं। इन लोगों का जीवन बहुत ही खुशहाली में गुजरता है, और यहाँ के लोग बहुत ही सभ्य होते हैं जो अपने काम में ही मगन रहते हैं। साथ ही ये लोग अपने स्वास्थ्य पे भी बहुत ध्यान देते हैं। इस देश की औसत आयु 80 वर्ष होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पूरे वर्ल्ड में इस देश का 34वां स्थान है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितनी अच्छी लाइफ जीते हैं। लिथुवेनिया को झीलों और नदियों का देश भी कहा जाता है। आपको यहाँ पर करीब 3000 से भी अधिक झील देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर नदियों पर नजर डालें तो लिथुवेनिया में कुल 64,000 किलोमीटर की लंबाई वाली नदियों की संख्या 29,000 है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी नेम्यूनस नदी है, जिसकी लंबाई करीब 937 किलोमीटर है। दुनिया के सबसे साफ सफाई वाले देशों में लिथुवेनिया का नाम आता है। यहाँ पर आपको एक पेपर का टुकड़ा भी जमीन या रोड पे पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग खुद ही इस चीज को लेकर बहुत जागरूक हैं। लिथुवेनिया में किसी के घर के बाहर आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी,
क्योंकि इनकी मान्यता के हिसाब से जहां गंदगी होती है वहां ग्रोथ नहीं होता। आपको तो पता ही है कि हमारे देश में क्रिकेट के प्रति कितनी दीवानगी है। कुछ ऐसी ही दीवानगी लिथुएनिया के लोगों में बास्केटबॉल के लिए है। इस देश में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में बास्केटबॉल के लिए जो लगाव आप देखेंगे वो शायद ही दुनिया के और किसी देश में आप देख पाएंगे। यहाँ की नेशनल बास्केटबॉल टीम NBA की फेमस टीमों में से एक है। इस देश के फ्रैंक ल्यूबिन ने बास्केटबॉल को अपने देश में लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की। उन्होंने इस खेल को लिथुएनिया का राष्ट्रीय खेल बना दिया। फ्रैंक ल्यूबिन को लिथुएनियाई बास्केटबॉल का दादा कहा जाता है। अब जब भी इस देश में जाएंगे तो आपको वहाँ की सड़कों और पार्कों में लिथुएनियाई बच्चों को टीम बनाकर बास्केटबॉल खेलते हुए देखेंगे। बास्केटबॉल के अलावा यहाँ फुटबॉल, साइकिलिंग और टेनिस भी खेला जाता है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तरह तरह की बियर पीना पसंद करते हैं। वैसे तो जो भी ब्रांडेड बियर है वह आपको ओपन मार्केट में मिल जाएंगे। जो मार्केट में मिलता है वो सब तो ये लोग पीते ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हर देश का अपना ट्रेडिशनल और लोकल बियर भी होता है जो उन्हीं खास देशों में पाई जाते हैं। अगर आप भी बियर प्रेमी हैं तो लिथुएनिया आपके लिए एकदम परफेक्ट देश है, क्योंकि लिथुएनिया के लोग शराब पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से यहाँ हर किस्म की शराब तो मिलती ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा लोकल और ट्रेडिशनल बियर भी मिलता है। इस देश के लोकल बियर को उसके अनूठे और असाधारण स्वाद के लिए दुनिया भर में सराहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लिथुएनियाई बियर ने विश्व बियर पुरस्कारों में स्वर्ण, रजत और कांस्य जीता है। अब बियर पीने के शौकीन है तो आपको एक बार लिथुएनिया जरूर जाना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ज्यादा शराब आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। देश की बोलने वाली भाषा की बात करें तो लिथुएनियाई भाषा लिथुएनिया की आधिकारिक राज्य भाषा है और इसे यूरोपीय संघ की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। लिथुएनिया देश के लोग अपनी भाषा और संस्कृति के लिए बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं और इसे बहुत सम्मान देते हैं। ये लोग अपनी भाषा के प्रति बहुत ज्यादा मर्यादित होते हैं और अपनी भाषा में कभी भी गाली गलौज का उपयोग नहीं करते। इसकी वजह यह है कि लिथुएनिया की भाषा इस दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से एक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस भाषा का संबंध हमारे देश की संस्कृत भाषा से भी है। यहाँ के लोग अपनी भाषा में आपके सामने कुछ बोलेंगे तो आपको उनकी भाषा का एक भी शब्द बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। वैसे भी जिस देश के लोग इतनी प्राचीन भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में पाएंगे तो उस देश के लोगों को अपनी मातृभाषा पे गर्व होना भी चाहिए। वर्तमान में हर किसी को तेज इंटरनेट की जरूरत है और ये तेज इंटरनेट अगर सस्ते में मिल जाए तो मजा ही आ जाए, क्योंकि आजकल के जमाने में बिना इंटरनेट के आप एक कदम आगे नहीं चल सकते। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में सस्ते में इंटरनेट तो मिल जाता है लेकिन उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन इस मामले में लिथुएनिया हमारे देश से बहुत आगे है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट काफी सस्ते में मिल जाता है और यहाँ की इंटरनेट स्पीड भी काफी ज्यादा हाई है। इस देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आपको वहाँ इंटरनेट कनेक्शन जरूर मिलेगा, क्योंकि इस देश में फ्री इंटरनेट कवरेज मिल जाता है। खाने के मामले में भी लिथुएनिया काफी मजेदार देश है, क्योंकि इस देश में आपको यूरोप की खाने की फेमस चीजें तो मिल ही जाएंगी, साथ ही साथ यहाँ आपको ऐसे अनोखे खाने भी मिलेंगे जो लिथुएनिया को छोड़कर और किसी देश में नहीं मिलेंगे। वैसे तो हर एक देश में ही अपनी एक अलग अलग पसंदीदा डिश होते हैं, वैसे ये लिथुएनिया में एक बहुत ही फेमस डिश है जिसका नाम सेपेलिनाई है। ये इस देश का नेशनल खाना भी है। यहाँ का एक और फेमस डिश है जिसे ब्यूरोकलियू स्रूबा कहते हैं। वैसे तो ये खाना कोई खास नहीं है बल्कि बीट रूट से बना एक सूप है, लेकिन लिथुएनिया के लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं। आप इस देश के किसी भी व्यक्ति को सेपेलियाई खाने की दावत देंगे तो वो भी आपको काफी सम्मान से देखेगा। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं देश के इतिहास के बारे में। 14वीं शताब्दी में लिथुएनिया यूरोप का सबसे बड़ा देश हुआ करता था। आधुनिक बेलारूस और यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड और रूस के कई हिस्से लिथुएनिया राज्य के भाग थे, लेकिन धीरे धीरे लिथुएनिया के अधिकतर भूभाग पर रूसी साम्राज्य का अधिकार हो गया। 11 मार्च 1990 को लिथुएनिया अपनी अलग स्वतंत्रता घोषित करने वाला पहला सोवियत गणतंत्र बना और वर्तमान में आधुनिक लिथुएनिया यूरोपीय संघ, यूरोपीय परिषद और नेटो का सदस्य है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि लिथुएनिया पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अपनी एक आधिकारिक खुशबू है। इसका नाम है लिएटुवोस कवापास। डेनियस रटकाउस्कास और दो अन्य लिथुएनियाई उद्योगपतियों ने राष्ट्रीय ब्रांड बनाने के लिए इस खुशबू को विकसित किया था। आपको बताते चलें कि ये खुशबू जंगली फ्लावर, रास्बेरी, अदरक, चंदन और कस्तूरी सुगंध से बना है। इसके बनाने वालों का इसे बनाने के पीछे ये तर्क था कि जैसे स्विट्जरलैंड के पास चॉकलेट या घड़े और इंग्लैंड के पास मछली या चिप्स हैं, ठीक उसी प्रकार लिथुएनिया के पास भी अपनी कोई प्रसिद्ध पहचान होनी चाहिए। इस देश की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको यहाँ के हर एक घर में राई की बनी रोटी मिल जाएगी। यहाँ के लोग हर भोजन में इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सुबह की ब्रेकफास्ट हो या लंच या डिनर। लिथुएनिया के लोग तीनों टाइम के भोजन में राई की रोटी खाना पसंद करते हैं। अगर आप इस देश में रह रहे हो
तो आप भी इसका महत्व समझ जाएंगे। चाहे आप किसी लड़की को डेट कर रहे हो, काम के दौरान हल्का लंच कर रहे हो, या अपने परिवार के साथ आराम से डिनर कर रहे हो, राई की रोटी हमेशा आपके साथ होगी। अब तो जानते ही यहाँ के लोग शराब पीना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शायद ये बात आपको पता नहीं होगी कि पूरी दुनिया में सबसे पहले मक्का या मकई से वोडका लिथुवेनिया देश में ही बनाई गई थी। शराब और बियर के साथ साथ यहाँ के लोग वोडका भी काफी पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों को जब भी मौका मिलता है ये लोग पार्टी शुरू कर देते हैं, और उसके बाद शुरू होता है इनके पीने और पिलाने का दौर। लिथुवेनिया की करेंसी की बात करें तो ये है यूरो, और भारतीय मुद्रा में एक लिथुवेनियाई यूरो होता है करीब 24 रुपए के आसपास। तो दोस्तों, ये था हरियाली से भरपूर देश लिथुवेनिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको लिथुवेनिया की कौन सी बात सबसे अच्छी लगे। क्या कभी आप गए हो लिथुवेनिया, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।